अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आई एम इरफान अली भट्टी, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरेडोन कराची। इस वक्त मैं मेन जीना एवेन्यू पे मौजूद हूँ और मेरे सामने आपको पाकिस्तान का एक शाहकार, पाकिस्तान की या दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद, जो ग्रैंड मॉस्क, वर्ल्ड थर्ड ग्रैंड मॉस्क, जो मेरे सामने आपको कैमरा की आँख से नज़र आ रही होगी, मेरे सामने है। आज मैं इंशाल्लाह जिस चीज़ का आपको टूर दूंगा और जिस चीज़ के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, वो बहरिया के अंदर जो न्यू डील आई है मिडवे कमर्शियल 2 के नाम से, उस चीज़ के रिलेटेड इंशाल्लाह आपको कंप्लीट डिटेल्स टूर दिया जाएगा। उसमें हमारे जो क्लाइंट्स जिन्होंने कुछ ने बाइंग की है और जो फ्यूचरिस्टिक हवाले से अभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लाइक एज इन्वेस्टर और लाइक एज एंड यूज़र, इसका आपको इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल देंगे। ये मैं जिना से जैसे इंटर हुआ हूँ, आपको मैं जो है मेरे राइट साइड पर ग्रैंड मॉस्क नज़र आ रही है, फ्रंट पर ये जो लेफ्ट साइड पर मेरे प्रीसिंक्ट 9 है जिसमें 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट हैं, और एज इट इज़ अगर हम ऐसे हाइट पे चल रहे हैं तो सामने ये जो है डेस्कॉन टावर्स हैं। ये 4 टावर बन रहे हैं जिसमें 1100 स्क्वायर फीट का इनका 2 बेड का फ्लैट्स का एरिया है, साइज़ है, और इसकी सराउंडिंग के अंदर ही ना बहरिया ने ये मिडवे कमर्शियल 2 लॉन्च किया है। एक बहुत अच्छी डील है, और यहाँ पे अगर इसमें हम कहें कि ये जिसको जैसे मिडवे कमर्शियल ए और मिडवे कमर्शियल बी है, उसकी तरह का मिडवे कमर्शियल जो 2 जिसको लॉन्च किया गया है, तो इंशाल्लाह ऑन साइट पहुंच के मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका जो सराउंडिंग है या इसके जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसका आपको व्यू देता हूं, साथ में इसके रिलेटेड इसका डिस्टेंस है, लोकेशन, सराउंडिंग, प्लस इसका प्लॉट साइजेस क्या हैं, इनके रेट्स क्या हैं, प्लस वे कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, पार्किंग प्लाजा इसमें एलोकेटेड है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ों के इंशाल्लाह मैं आपको ऑन द स्पॉट जाके एक टूर देता हूँ। ये मेरे बिल्कुल सामने जो है दुबई क्लॉक टावर, दुबई स्टाइल का जो क्लॉक टावर है ये सामने सिचुएटेड है, और ये भी एक बहरिया कम्युनिटी है, खूबसूरती है, ये भी आपको नज़र आ रही है लेफ्ट साइड पे। अगर मूसा राणा मूसा साहब से रिक्वेस्ट करें तो ये आपके जो बहरिया डेस्कॉन टावर्स के हैं, ये भी जो काफ़ी हद तक बन चुके हैं, इंस्टॉलमेंट पे हैं ये 2 बेड फ्लैट्स, इसके बिल्कुल सराउंडिंग में है ये 4 टावर्स बने हुए, और इसके ये जो मेरे इस वक्त सामने है ये बहरिया का फायर स्टेशन है, और इन्हीं चीज़ें ये इसकी सराउंडिंग है और इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है। अब हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे जा रहे हैं जो मिडवे कमर्शियल 2 की एग्जैक्ट लोकेशन है। ये मेरे सामने आपको हैवी मशीनरी ऑन द स्पॉट वर्किंग में नज़र आ रही है, ये काम कर रही है, जो यहाँ पे ग्राउंड को लेवल करना है, हर चीज़ को। एक तो यहाँ पे जो इसका व्यू है बहुत आउटस्टैंडिंग व्यू है, बहरिया का सबसे ज़्यादा हाइटेड लोकेशन, बहरिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत लोकेशन यही है। इससे मतलब जितनी भी लोकेशन है बहरिया की सारी नीचे लोअर लेवल पे हैं या लोअर सर्विस में हैं, ये सबसे ज़्यादा हाइटेड लोकेशन है। यहाँ से आपको ग्रैंड मॉस्क का जो व्यू है वो भी मतलब उसके बिल्कुल लेवल में मिलता है। मैं इंशाल्लाह जो इसका नीचे वाला एरिया है उस पर इंशाल्लाह जाके आपको थोड़ी और वीडियो देते हैं। अच्छा, इसमें मैं साथ में बताता चलें कि ये जो बहरिया ने डील दी है ये ग्राउंड प्लस 18 पे बनेंगे। आप यहाँ पे कमर्शियल ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे अपना कमर्शियल लॉन्च करेंगे और प्लस उससे ऊपर जो रेजिडेंशियल होगा वो तकरीबन ग्राउंड प्लस 18 पे बनेगा। 18 फ्लोर की बिल्डिंग लॉन्च की है बहरिया ने, अपने जितने भी प्रोजेक्ट पहले दिए हैं वो सारे के सारे ग्राउंड प्लस 6 थे, 8 थे, या ग्राउंड प्लस 18 तो मेन जीना एवेन्यू पे दिए हैं तो ये दिए हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो बहरिया ने एक बड़ा डिफरेंस दिया है वो ये है कि यहाँ पे प्लॉट साइजेस बहरिया ने ना फ्लक्चुएटेड रखे हुए हैं। जैसे बहरिया के पहले 133 स्क्वायर यार्ड्स का था, 133 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट था, उसके बाद फिर बहरिया का जो प्लॉट था वो 266 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट था, इस तरह से प्लॉट्स थे। तो लेकिन अब जो दिए बहरिया ने वो प्लॉट्स बड़े ना मतलब उनमें रेट्स कुछ इस तरह से हैं, या उसमें जो साइज़ हैं मिनिमम जो साइज़ है 570 स्क्वायर फीट का साइज़ है, और एज इट इज़ अगर बाकी साइज़ देखे जाएँ तो 900 स्क्वायर फीट 900 स्क्वायर यार्ड्स तक का साइज़ है, 570 स्क्वायर यार्ड से लेकर 900 तक स्क्वायर यार्ड इसका साइज़ है। और रेट्स के वाले से बात करें तो मिनिमम तकरीबन 2 लाख रुपये पर स्क्वायर यार्ड्स का रेट है और मैक्सिमम तकरीबन 3 लाख रुपये तक इसका स्क्वायर यार्ड्स का रेट है। इसमें मिनिमम जो मिलेगा तकरीबन 11.5 करोड़ रुपये का एक प्लॉट मिलेगा, और मैक्सिमम जो इसका साइज़ है वो तकरीबन 23 या 24 करोड़ रुपये 25 करोड़ तक इसका साइज़ है, जो इसका रेट है। अच्छा, इसमें जो है ना इसको बहरिया ने कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल है। सराउंडिंग में अगर मेरे इसी तरह से बैक साइड पर देखें तो सराउंडिंग में आपको अली ब्लॉक, जहाँ इस वक्त तकरीबन 1500 या 1800 घर अंडर बन चुके हैं, कुछ घर 400-500 अंडर कंस्ट्रक्शन में, बहुत बड़ा बहरिया का वो है, मतलब फुली अलाइव एरिया है। 11A है साथ में, फिर 10A है साथ में, वो भी फुली अलाइव एरिया है, बहरिया हाइट्स का प्रोजेक्ट है। मेरे बिल्कुल सामने अगर ग्रैंड मॉस्क के बिल्कुल सामने देखें तो मेन जीना भी है, मेन जीना के साथ ये आपको मलिक रियाज साहब या मलिक साहब का घर जो है वो भी नज़र आ रहा है। साथ में जो एक और इसकी खूबसूरती है, वो इसकी खूबसूरती ये है कि ये आपको इकरा यूनिवर्सिटी नज़र आ रही होगी।
तो ये भी माशाल्लाह इस वक्त ऑपरेशनल है, और यहाँ पे बहरिया की इस वक्त के जो क्लासेस लग रही हैं तो ये इकरा यूनिवर्सिटी में इस वक्त क्लासेस वगैरह शुरू हो चुकी हैं, और ये चीज़ है। अच्छा, सबसे बड़ी इसकी खूबसूरती जो और चीज़ है, बहरिया ने अभी तक कोई भी पार्किंग प्लाजा वगैरह डेजिग्नेट नहीं किया या बताया नहीं है, जबकि इन प्रोजेक्ट में मिडवे कमर्शियल 2 के अंदर बहरिया ने मैप के ऊपर अप्रूवल दी हुई है पार्किंग प्लाजा की, सेपरेटेड पार्किंग प्लाजा बहरिया ने दे रखा है। तो ये तो इसकी एक बहुत अच्छी खूबसूरती है, और इसमें जो है अगर हम इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करें इस हवाले से, कंपैरिजन के हवाले से, कि मिडवे कमर्शियल ए और मिडवे कमर्शियल बी और ये थर्ड जो प्रोजेक्ट है वो मिडवे कमर्शियल 2 के नाम से जो है, तो वो ज़ाहरी बात है एक मिडवे कमर्शियल ए और बी एक थोड़ा सा साइड पर है, तो क्योंकि बहरिया का हेड ऑफिस है, जबकि ये जो जगह है ग्रैंड मॉस्क के बिल्कुल साथ है, मेन जीन एवेन्यू के साथ है, मेन गेट से मैक्सिमम 6 किलोमीटर या 5 किलोमीटर इसका एग्जैक्टेड जो है डिस्टेंस है, फिर साथ में फुली अलाइव इसकी सराउंडिंग जो फुली अलाइव है, और वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसकी सराउंडिंग है। तो ये हमारे इन्वेस्टर्स के लिए भी और एंड यूज़र के लिए भी, अगर कोई यहाँ पे अपने फ्यूचर हवाले से कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहे, जैसे बड़े बड़े बिल्डर्स हैं या कुछ लोग यहाँ पे आके हमारे साथ इन्होंने कुछ काम किया, कुछ अपने प्रोजेक्ट हमारे साथ मिलकर लॉन्च किए हैं, तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है फ्यूचर के हवाले से। और ऑलरेडी सराउंडिंग इसका फुली ऑक्यूपाइड हो चुका है, और इसमें इस वक्त बाइंग बनती है, इन्वेस्टमेंट बनती है। बाकी इस हवाले से आपको कुछ भी क्यूरी हो, कुछ भी मैसेज हो आपका, तो मेरा नंबर +92320202816 नंबर है, आप इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी नीचे 3-4 नंबर हमारे मेंशन है, आप किसी नंबर और पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी आपकी क्यूरी हो इन कमर्शियल या रेजिडेंशियल के हवाले से। और इवन आपको अगर CFO के रिलेटेड, मतलब जो है चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर, या इसकी कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कुछ भी चाहिए, तो ऑलरेडी हमारी कुछ वीडियोज़ आप बनी हुई थी कमर्शियल को लेके, 133 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट पर और 266 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स के हवाले से। तो हम इंशाल्लाह अपनी एक आधी वीडियो 570 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट है इस पर हम ग्राउंड प्लस जो 18 बहरिया अलाउ किया है इसके रिलेटेड भी इंशाल्लाह आपको वीडियो देंगे, ताकि आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के हवाले से पता चल सके, इसमें आपका रेवेन्यू कितना बन सकता है, आपको ROI कितना मिल सकता है। तो इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी, और अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।